सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे एक सब्सक्राइबर के हाथ के विषय में। तो इनका जो सवाल था कि इनको गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं और ये लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे, तो चलिए देख लेते हैं इनके लाइफ में सक्सेस कितना है और गवर्नमेंट जॉब एक्चुअली है कि नहीं और सुख समृद्धि कितनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मणिबंध से। इनका जो मणिबंध है, देखिए जो ऊपरी मणिबंध है वो काफी छोटा अधूरा सा है, यहाँ पर एक छलका सा दीप बना हुआ। तो ऐसे लोग जो होते हैं गैर परंपरागत होते हैं, मतलब ये लोग जो होते हैं अपने संस्कारों को, जो कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा आधार होता है, इन संस्कारों को पूरी तरह से नहीं मानते। मतलब इनका लॉजिक ये है कि हर चीज को प्रैक्टिकली जब तक हम बिल्कुल यूज नहीं कर लेते, इसको समझ नहीं लेते, तब तक उनके उन चीजों पे वो विश्वास नहीं करते। तो सबसे अहम बात जो इनके हाथ में ये है कि ये जो मणिबंध है ये अधूरी है, ये अधूरी मणिबंध होने के कारण जो है ये संस्कारों को पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं करते और विश्वास नहीं करते जब तक वो प्रैक्टिकली उस चीज को यूज ना कर ले। और दूसरा जो मणिबंध है बिल्कुल साफ है, वो भी जाके लास्ट में खंडित हो चुकी है, ये भी कंप्लीट नहीं है। और तीसरा जो मणिबंध है, इनके हाथ में तीन तीन मणिबंध है, देखिए दोस्तों तीसरा मणिबंध जो है वो पूरा है। तो तीसरा मणिबंध पूरा होने के कारण इनका सिक्स सेंस बहुत ही अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। साथ ही साथ जीवन रेखा में जो ये फिश का साइन है, दो मुही हो चुकी है जीवन रेखा, ये भी ये दर्शाता है कि इनकी जो सिक्स सेंस है ये काफी स्ट्रांग है। ये बहुत सारी चीजों को पूर्वाभास हो जाता है, मतलब इनको पूर्वाभास हो जाता है कि कोई भी चीज घटना घटने वाली है, या अच्छी हो या बुरी हो, इनको काफी समझ में आने लग जाता है। अब इनको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। अब चले जाते हैं जीवन रेखा में। जीवन रेखा देखिए स्टार्टिंग में बहुत सारे क्रॉसेस हैं, तो ये सारे क्रॉसेस बताती हैं कि इनको बचपन में काफी तबीयत खराब हुई थी या बहुत बार इनको जो है काफी सारी चीजों का सामना करना पड़ा था, जैसे छोटी मोटी बीमारियां या फिर समझ लीजिए बुखार की वजह से तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाना जिससे इनको बचपन में काफी फिजिकली जो है स्ट्रगल करना पड़ा था। और एक यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि इनके मंगल रेखा जो है, इनका अंदरूनी मंगल से जो रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, ये रेखाएं जो बताती हैं कि जीवन रेखा को काफी ज्यादा बूस्ट करती हैं, काफी ज्यादा बल देती हैं, जिस वजह से जो है इनकी तबीयत खराब हुई थी लेकिन उससे बहुत जल्दी ये रिकवर कर चुके थे। इनके हाथ में एक बहुत ही प्लस पॉइंट ये है, देखिए एक रेखा इनके जीवन रेखा से निकलती हुई बृहस्पति के पर्वत की ओर ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर एक ये इस तरह की रेखाएं जब भी किसी के हाथ में बनती है तो इनको काफी कम उम्र में ही जॉब मिल जाता है। हाँ, लाइफ में स्ट्रगल जरूर है लेकिन इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, बहुत छोटी उम्र से ही इनको कंफर्म जॉब, समझ लीजिए सिक्योर जॉब मिल जाता है, जिससे कह लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब या सेमी गवर्नमेंट जॉब। तो ये एक काफी प्लस पॉइंट है। अब जीवन रेखा में धीरे धीरे नीचे की ओर जानते हैं तो यहाँ पर और एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल क्या मैं बोलूंगा, यहाँ पर एक डमरू बन रहा है जो कि इनके प्रारंभिक स्टेज में ही इनको काफी तरक्की देगा। धीरे धीरे ये रेखा नीचे की ओर जा रही है, यहाँ पर और एक डमरू बन रहा है, तो ये भी बहुत ही प्लस पॉइंट है। इनके हाथ में दो दो डमरू जो है जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बन रही है और लास्ट में ये जीवन रेखा नीचे जाके स्प्लिट हो चुकी है। तो अंतिम जीवन भी इनका काफी स्ट्रांग और काफी स्टेबल जाने वाला है। तो ये हाथ जो स्टार्टिंग में ही मैं आपको मैंने दिखाया इतने पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ है कि इनको जीवन में बहुत कम उम्र में ही गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे अब चले जाते हैं हम मस्तिष्क रेखा की ओर। सबसे पहले इनको मिटा ले। मस्तिष्क रेखा देखिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती है, बिल्कुल साफ नीचे जा रही है, एक रेखा जो है यहाँ पे इनको काट रही है जो कि बुध की पर्वत की ओर जा रही है, फिर यहाँ से रिपीट होके ये रेखा देखिए नीचे तक गई है चंद्र के पर्वत की ओर, थोड़ा सा झुकाव लेके। तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव पॉइंट है कि ये जो है प्रैक्टिकल के साथ साथ काफी चीजों को बिल्कुल लॉजिकली भी सोचते हैं। तो चंद्र के तरफ झुकाव होने की वजह से थोड़ा सा काल्पनिक है लेकिन ज्यादा झुकाव नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रेखा है। तो यहाँ पर ये दिखाते हैं प्रैक्टिकल के साथ साथ इंसान लॉजिकल भी होता है। अब चले जाते हैं इनके भाग्य रेखा के पास। देखिए भाग्य रेखा ये चंद्र के पर्वत में भाग्य रेखा जो है यहाँ से आरंभ हो रही है बिल्कुल ऊपर की ओर सीधी जाती हुई और ऊपर शनि के पर्वत तक।
तो भाग्य रेखा ये दर्शाती है कि इनको जीवन में काफी सफलता मिलेगी, और ये भाग्य रेखा को काटती हुई दूसरी और एक रेखा, इसको समझ लीजिए एक तरह से बिजनेस लाइन या समझ लीजिए मल्टी इनकम लाइन भी कहते हैं। तो ये भी देखिए यहाँ पर ये एक बड़ा सा डमरू बन रहा है, ये डमरू भी ये दर्शाता है कि इनका जीवन काफी स्टेबल होगा, ऐसे लोग काफी ऊंचाइयों तक जाते हैं, उच्च पदाधिकारी योग कहते हैं, और इस उच्च पदाधिकारी योग के कारण ये जीवन में काफी ऊंचाइयों तक जाएंगे और काफी तरक्की भी करेंगे। एक और बहुत ही स्ट्रांग लाइन है, देखिए चंद्र के पर्वत में ये रेखा जा रही है, निकलती हुई सीधा जाके जीवन रेखा में टच हो चुकी है, और ये फिर अंदर की ओर शुक्र के पर्वत में जा रही है। तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि इनको बहुत ज्यादा घूमना हो सकता है, मतलब कि इनका काम ही कुछ ऐसा होगा कि इनको बहुत सारे जगहों में, नई नई जगहों पे घूमने जाना, उनको एक्सप्लोर करना, इनको अपने लाइफ में देखना पड़ना हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि काम की वजह से इंडिया के बाहर भी जा सके, मतलब विदेश भ्रमण का भी काफी अच्छा योग बना हुआ है। और एक रेखा देखिए दोस्तों यहां से निकल रही है, यहां से निकलती हुई जिसे कहते हैं बुध की रेखा, बुध के पर्वत की ओर इशारा करती हुई। तो यहां पर एक बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल ये दर्शाता है कि इंसान जो है अपने बलबूते पर अपने खुद की गाड़ी, खुद का घर, खुद का मकान बनाएंगे और काफी समृद्ध होंगे। अब चले जाते हैं दोस्तों, देखिए इनके बृहस्पति के पर्वत मतलब गुरु के पर्वत में एक बड़ा सा क्रॉस बन रहा है, तो ये क्रॉस भी ये दर्शाता है कि इनको जीवन में सफलता मिलेगी। ये लोग थोड़े गंभीर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि इंसान को अपने ज्ञान और अपने सिंसेरिटी की वजह से काफी तरक्की मिलती है और ये धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। अब इन लाइनों को जरा मिटा लें, अब चले जाते हैं हृदय रेखा में। हृदय रेखा में यहाँ पर एक द्वीप बना हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चिंता कारण यह है कि हृदय रेखा में जब द्वीप बनता है तो हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम जो है आपको थोड़ी से ज्यादा उम्र में दिख सकती है, या समझ लीजिए कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम की वजह से जो है आपको एक या दो बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ना हो सकता है, क्योंकि ये जो द्वीप जो है इंसान के हार्ट को थोड़ा सा वीक करता है। तो आप अपने रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसका सलूशन जल्द से जल्द निकालें, जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करके इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें, इसका इलाज कीजिए। आगे जो जीवन रेखा देखिए बढ़ती जा रही है ऊपर की ओर, एक जगह यहाँ पर दो मुही बन चुकी है जो कि एक विष्णु चिन्ह बना रहा है, या समझ लीजिए कि एक त्रिशूल भी बन रहा है क्योंकि यहां से ये रेखा भी कनेक्ट हो रही है। तो यहां पर जो है विष्णु चिन्ह प्लस त्रिशूल बन रहा है, तो यहां पर यह दर्शाता है कि हृदय रेखा में जब त्रिशूल बनता है और त्रिशूल का मुंह अगर बृहस्पति पर्वत की ओर, गुरु पर्वत की ओर हो, तो ऐसे इंसान के लिए जीवन में तरक्की करना जो है बिल्कुल समझ लीजिए आसान तो होता नहीं, लेकिन ये अगर कड़ी मेहनत करते जाए तो धीरे धीरे बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। यहां पर इनके हाथ देखिए सूर्य रेखा जो है, एक पतली सी सूर्य रेखा निकली है, उसके पास में बगल में छोटी छोटी रेखाएं जो है सूर्य रेखा को स्पर्श कर रही है, और ये सूर्य जो रेखा जो है ऊपर जाके दो मुही हो गई है, तो सूर्य रेखा भी इनका काफी स्ट्रांग है। तो ये दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ में सूर्य रेखा हो या उसके आसपास से कोई रेखा सूर्य रेखा को स्पर्श करती हो, तो इनको जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं आती हैं, ये बिल्कुल संघर्ष के साथ उस बाधाओं को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर जीवन में सूर्य का प्रकाश ना हो तो इंसान के जीवन में अंधेरा छा जाता है। तो उसी तरह जिसके हाथ में सूर्य की लाइन या सूर्य की रेखा होती है वो लोग आगे तरक्की करते ही हैं। चाहे लाख बाधाएं आपके जीवन में आए, उन बाधाओं को पार करते हुए ऐसे लोग आगे बढ़ते ही हैं। अब देख लेते हैं इनके विवाह की रेखा। विवाह की रेखा एक है यहाँ पर निकली हुई है, तो ये काफी स्ट्रेट है, तो यहाँ पर यह दर्शाती है कि इनकी जो धर्मपत्नी होगी ये बिल्कुल आज्ञाकारी होंगी और इनकी बात सुनेंगी, इनको रिस्पेक्ट करेंगी, जिस वजह से जो है इनके काम में किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं आएगा, और इनकी वाइफ जो है इनके काम को फुल सपोर्ट करेंगी। ओवरऑल ये हाथ काफी स्ट्रांग है। अब चले जाते हैं देखिए इनके, उनकी उंगलियां जो है एक शेप में है, मतलब कि नीचे से लेकर ऊपर की दोनों चौड़ाई जो है, ऊपर जितनी चौड़ाई है नीचे भी ठीक उतनी ही चौड़ाई है। तो ऐसे लोग जो होते हैं काफी कर्मठ होते हैं, काफी आत्मविश्वास से भरे होते हैं और अपना काम जो है काफी सुगमता से करते हैं। अब चले जाते हैं देखिए दोस्तों,
सूर्य की उंगली बड़ी है और गुरु की उंगली छोटी। सूर्य की और गुरु की उंगली में काफी बड़ा सा ये गैप है। तो ऐसे लोग जो होते हैं अद्भुत शक्तियों के द्योतक होते हैं, मतलब कि इनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी विद्याओं को, यह समझ लीजिए कि इनका सिक्स सेंस इतना स्ट्रांग होता है कि बहुत सारी चीजों को ये पूर्वाभास कर लेते हैं। अगर ये भविष्य में कभी भी एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कोई भी काम करें तो इनको काफी सक्सेस मिलेगा, क्योंकि सूर्य की जो उंगली है जितनी ऊंचाई लिए होगी उतना ज्यादा सिक्स सेंस अच्छा होगा, उतना ज्यादा इंट्यूटिव पावर अच्छा होगा। तो आप ओवरऑल ये हाथ जो है काफी अच्छा है, स्ट्रांग है इनकी। देखिए ये जो सूर्य की उंगली की जो पहली जो कोर है इससे छोटी वाली उंगली बड़ी है। तो यहाँ पर और एक प्लस पॉइंट है, ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं, लेकिन दूसरों का हेल्प करना, दूसरों की सहायता करना और समझ लीजिए एक तरह से उदारवादी होना इनके नेचर में होता है। तो ओवरऑल ये हाथ जो है काफी स्ट्रांग पॉइंट लिए हुए है। मैं बोलूंगा 80-90% इस हाथ में प्लस पॉइंट बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इनको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, यानी कि इनको जो हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो उसको इग्नोर नहीं करना, उसको बिल्कुल सीरियसली देखना है और उसका सलूशन निकालना है। नहीं तो इनके हाथ में इतनी सारी खूबियों वाला यह हाथ है, इनको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये जीवन में काफी स्टेबल होंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। अब एक छोटा सा उपाय मैं आप सबको बता देता हूं। ये उपाय ये है कि आप अपने घर में सुबह मतलब सूर्य निकलने से पहले और शाम को घर में दिया जरूर जलाएं। मतलब घर में जो आपका घर में जो भगवान का मंदिर बनाया रहता है छोटा सा, उसमें सुबह लगभग 4:30 बजे उठकर एक घी का दिया जलाएं। जब तक सूरज निकल नहीं जाता तब तक वो दिया जले, और उसके बाद शाम के टाइम पे जैसे ही अंधेरा होता है, सूरज डूब जाता है, तो एक सरसों के तेल का दिया बनाकर उसे जलाएं और इसे रात भर जलाए रखें जब तक कि उसमें तेल है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो घर में काफी शांति आएगी। किसी भी तरह का अगर घर में वास्तु दोष हो तो उसका निवारण भी समझ लीजिए 30-40% सिर्फ दिया जलाने से ही होता है। ये छोटे छोटे उपाय जो है आप अपने घर में करते रहिए, इससे दो फायदे होंगे। आपके घर में कोई भी अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम हो या कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो तो उससे जल्दी से जल्दी निपटारा हो सकेगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एनालिसिस। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।